5 education blocks of SSA functioning at Haflong. The Dimahasao Serba Siksha Abhijan SSA is having its 5 education blocks in each blocks of the district with 1 block mission coordinators like at Mahur, Maibang, Sangbar, Dungbra and Harangazao. For reasons best known to the SSA, all the 5 BMCs are functioning at Haflong, ignoring the sufferings of the hundreds of teachers who are travel pillared post for a petty works as they had to visit Haflong from their far-flung areas. Moreover, taking the bad communication as play, the officials are loved to stay at Haflong for their personal gains. Sometimes serious allegations of irregularities and harassment of the teachers are also being reported. को देगा ना सप्लायर को देगा वो सप्लायर वो चेक का एनरोलमेंट का मुताबिक फंड का मुताबिक वो इस्तेमाल करके यूनिफॉर्म सप्लाई देगा हम लोग का क्लस्टर वाइज ऐसा है तो आप एसएमसी से आप चेक तो उठा के लेके आए हाँ क्या का चेक है यूट्यूब वो तो सप्लाई लोग को देना है यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म का चेक तो आप उठाया हाँ तो आप सब आपके टीचर कौंटिला डिसरूराजी बरलंग निसा वालाउ निसा बकरमा लोअर मबाओ मजाए बहुत सारा ऐसा उठा के लेके बस हाँ तो आप अपना एसएमसी लुक से आप चेक तो उठा के लेके कितना कितना अमाउंट मतलब एक में कितना करके नहीं ये तो सामान नहीं सबका कभी चार के लिए चार स्टूडेंट के लिए होता कभी मतलब एनरोलमेंट वाइज ना इन प्रोपोर्शन टू एनरोलमेंट हाँ अच्छा गाइडलाइन आपने देखा गाइडलाइन तो कैसा होना चाहिए गाइडलाइन का मुताबिक गाइडलाइन तो आप देखा ना कपड़ा का यूनिफॉर्म का सप्लाई का जो गाइडलाइन है आप देखा बोला शायद ये तो मेरे का ख्याल नहीं है ख्याल नहीं ना आपको कौन से बोला उठाने के लिए ये तो ऊपर से आया हुकुम कौन बीएमसी से बोला ये तो मीटिंग ऊपर से हम लोग जो ऑर्डर मिलता है वहाँ से होता अच्छा अच्छा ऊपर लेवल से हाँ ऊपर से सप्लाई लोग भी आया रहा उस दिन ना हम लोग का मीटिंग में अच्छा तो हम तो हाई लेवल ऊपर लेवल को तो हम लोग को मालूम नहीं होता हम लोग को तो जो बोलेगा वही करेगा करने लगेगा ना इसमें डीएमसी कुछ बोला नहीं आपको चेक उठा के लेके आओ सब बोला बीएमसी डीएमसी या बीएमसी तो कौन बोला आपको ऐसे ऑथोराइज ये अथॉरिटी सबसे पहले हुक्म तो कहाँ से आया हमको पता नहीं है लेकिन उस दिन हम लोग का ऐसे ब्लॉक लेवल मीटिंग होने में सप्लायर लोग आया रहा उसके बारे में कुछ ऐसा चेक जमा करने को बोला रहा वो तो हम लोग का आगे से पहले से है हम लोग जब से यहाँ से चलाता है हाँ हाँ साइन बोर्ड बोर्ड कुछ नहीं है कारण क्या है साइन बोर्ड तो लगाया हुआ नाम क्या है अमित कुमार चक्रवर्ती क्या पोस्ट में है ब्लॉक अकाउंटेंट कितना साल से आप यहाँ पे हाफों में चला रहे हैं आप लोग में हम अपॉइंटमेंट मिला 2011 में फरवरी महीना में मिला था तब से यहाँ पे ही चला हुआ हाँ जी हाँ जी आपका नाम बोका है आप लोग एक्चुअली ओरिजिनल ऑफिस कहाँ में है ओरिजिनल ऑफिस हरंगजो में आप लोग यहाँ से कि यहाँ में कितना दिन से चला है वो तो हमारा आगे से करा आपका आगे से आपको ज्वाइन करा हम तो 15 में ज्वाइन करा अच्छा 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 तो वो हरंगजो में चलने लगता ना हरंगजो में बिल्डिंग अच्छा नहीं है मतलब आदमी रहने का नहीं है अच्छा बिल्डिंग तो ऐसा है बिल्डिंग तो गौरव सोता है ना किया है वही तो वाल नहीं है खिड़की नहीं है हाँ कितना साल से ऐसा हुआ वो जो तो हमारा आपको तरफ से अभी हरंगजाओ का टीचर का तरफ से हम लोग जो कंप्लेंट जो मिला है वो लोग मामूली कोई काम के लिए हफलों में आने लगता है वही तो हरंगजाओ ब्लॉक में छो सी आई यहाँ में रह रहा है तो कारण तो क्या है अभी बियुम्ब्रा छोड़ के इधर में चला रीजन हो गया हम लोग को मेन प्रॉब्लम हो गया हम लोग को कम्युनिकेशन ऑफिसर वर्क्स कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होता था कम्युनिकेशन बोलने में आपको उसमें टेलीकॉम कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल का मोबाइल इंटरनेट और दूसरा हो गया रोड कम्युनिकेशन तो इसमें हम लोग प्रॉब्लम हो जाता है तो अल्टीमेटली हम लोग ऑफिशियल जब कॉरेस्पॉन्डेंस करने में हम लोग का दिक्कत हो जाता है वही बात है इसलिए हफलोंग में करने से क्या होता है हम लोग को एक तरफ हफलोंग में बैठने से हम लोग को एक तरफ क्या होता है ऑफिशियल जो कॉरेस्पॉन्डेंस करने में वो तो फास्ट होता है हाँ फास्ट में होगा लेकिन दियुंग्रा का हाँ उस टाइम में तो पहले तो नेट भी थोड़ा खराब था ना आजकल थोड़ा अच्छा हुआ देखा है हम लोग आजकल नेट भी थोड़ा अच्छा हुआ लेकिन उसमें
मैं तो थ्रीजी चलाते फोर्जी के बारे में भी मालूम नहीं लिखा ऑफिस थ्रीजी तो फर्स्ट हुआ ऑफिस तो हाफलोंग है हाफलोंग में हाफलोंग में ऑफिसर्स का है ऑफिशियल स्टाफ आपका कितना स्टैंड होगा कितना आदमी होगा यहाँ आर्मी आर्मी आपका कितना स्टाफ स्टाफ तो हम लोग को करेंटली मतलब हम लोग को बी एम से लेकर सिक्स सिक्स आप लोग का सिक्स आदमी का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम वहाँ में आप इतना सारा स्कूल का जो टीचर लोग का उन लोग जो आपका पास आना पड़ता है ये कम्युनिकेशन नहीं ये बात नहीं हम लोग का ऑफिशियल वर्क्स अगर होने से हम लोग फील्ड में चला जाते वही बात है कल कोर्स में हम नो संडे नो सैटरडे हम लोग फील्ड में चला जाते वही बात है हाँ समझा यहाँ में होने से मेजोरिटी का तकलीफ हो रहा है है ना हाँ हाँ आप लोग यहाँ पे है बोल के तो उन लोग आने पड़ता है आने पड़ता है आप लोग को यदि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम मिल रही है वहाँ वहाँ में जाने लगता तो छः आदमी का प्रॉब्लम होता वो आपका बात भी सही है हाँ लेकिन हम लोग क्या होता है जैसे पकड़ लो हम लोग का क्लस्टर लेवल में हम लोग को फील्ड लेवल में हम लोग का उधर में काम करने वाला है और दूसरा बात हो गया अगर इम्पोर्टेंस कुछ ऐसे जरूरी काम से हम लोग उसमें चला जाता है वही बात है परसों दिन में सैटरडे में भी गया था सैटरडे क्या क्या बोला इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है उनके पास बोलो इम्पोर्टेंस क्या क्या होता है मतलब जो भी मतलब एक्टिविटीज सपोज कुछ रिपोर्ट सबमिट सबमिशन करना जरूरी है या फिर में कुछ प्रोग्राम करना है तो हम लोग चला जाता है वही बात हम लोग नहीं जाता वो बने अभी आप लोग जाके देखिए हम लोग का ब्लॉक है हम लोग का ब्लॉक अच्छा मेंटेनेंस कर रहा है हम लोग अगर हम लोग नहीं जाएगा वो मेंटेनेंस भी नहीं होगा वेरी शॉर्टली आप ऑल ओवर असम में तीन चार फेज में गुणोत्सव हुआ गुणोत्सव में भी हुआ गुणोत्सव अगर करेगा गवर्नमेंट और अगर बीएमसी ऑफिस पर्टिकुलर जो कंसर्न एरिया छोड़ के अगर हाफलोंग बैठेगा तो आप सोचता नहीं क्या जो गुणोत्सव जो डेवलपमेंट होगा नहीं एजुकेशन का नहीं ऐसे है मतलब ऐसे गुणोत्सव तो होने से अच्छा है हाँ होगा अच्छा तो है ठीक है लेकिन अगर ऑफिस अगर इधर रहेगा टीचर अभी देखिए अभी दिमरा का कल में एक टीचर हमको बोला है अच्छा तो उल्लू का भी एलपी टीचर का बात बोला स्पेशली मैक्सिमम एलपी स्कूल में एक सिंगल सिंगल टीचर है तो वो अगर अगर दिमरा ब्लॉक का काम के लिए अगर आने लगता है कोई भी एक डाटा सबमिट करने के आता आने लगता है तो तीन दिन लॉस होता बोला तो आने आई के एक दिन में कोई नहीं जाने नहीं सकता बैठने लगता है एक दिन बैठने से दो दिन आने जाने में चला जाता है तो क्लास मार खाता है मतलब क्लास नहीं होता क्लास नहीं होगा तो क्या होगा स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करेगा पढ़ाई नहीं होगा तो गुणोत्सव कहाँ क्या करेगा वो तो बात सही है ये बात तो जैसे पकड़ लो आप लोग हम लोग से इंटरव्यू लेके भी क्या बोलेगा अगर हेयर उठ रही हम लोग को बोलेगा आपको यहाँ से चला जाओ हम लोग दिया होगा लेकिन हमको तो मालूम नहीं है हम लोग का बीएम सर लोग है सीनियर अकाउंटेंट ले लोग कुछ बोला नहीं हम लोग बैठा हुआ इधर में बात हुई है अगर बोलेगा तो हम लोग जाना पड़ेगा लेकिन अच्छा आपका जानकारी में ऐसा कुछ अप्रोच व मूव हुआ क्या आप लोग का तरफ से जो नहीं भाई यहाँ पे तो ऐसा ऑफिस यहाँ पे रहने से पब्लिक का ज़्यादा प्रॉब्लम होता ठीक है हम लोग कुछ उपाय करो ऐसा मूव किया आप लोग ऐसे तो ऑफिसियली तो पहले में तो हुआ था अभी नहीं था नहीं पहले हुआ था हाँ लेकिन बीस में ये हो गया बीस में सोचो बीस में तो कुछ बोला नहीं अच्छा आप लोग आप क्या है सीनियर अकाउंटेंट सीनियर अकाउंटेंट है हम लोग क्यों नहीं मुख्तार था मुख्तार अच्छा ब्लॉक अकाउंट ना तो आपको तो ड्यूटी एक्चुअली फील्ड का ड्यूटी है फील्ड ड्यूटी है अब स्कूल उसमें एस एम सी को विजिट करने लगता है विजिट करने लगता है विजिट करते हैं हम लोग जो खबर मिला जो स्कूल विजिट करता है नहीं विजिट भी करता हूँ हम लोग आप लोग विजिट नहीं करके स्कूल आपको विजिट करता होगा किसने बोला नहीं ऐसा तो हो रहा है ना अभी हम लोग अकाउंटेंट ठीक है हाँ अकाउंटेंट ऐसे होता है फील्ड विजिट करना जरूरी है हम लोग एसएमसी को फील्ड विजिट भी करते हैं और लोग को मॉनिटरिंग करना है वो लोग को अकाउंटिंग बुक्स मेंटेनेंस सिस्टम का हम लोग सिखाना जरूरी है फिर भी बात तो ऐसे है अगर कुछ एक्टिविटी हाई नहीं है सपोज एक्टिविटीज हाई नहीं है एक्टिविटीज मतलब क्या है ग्रांट हाई नहीं है तो कैसे इसको हम लोग मॉनिटरिंग करेगा और एकेडमिक लेवल में उधर में ऑलरेडी सर्च है एकेडमिक ग्राउंड में है एकेडमिक जो पार्ट है उसमें मतलब ऑलरेडी सर्चेस लोग है वो लोग से काम करते हैं अच्छा हाँ हम लोग अकाउंट्स रिलेटेड में हम लोग का देखिए लास्ट ईयर में हम लोग क्या है लास्ट ईयर में पूरा एक साल में एसएसए में क्या ग्रहण आया खरे कल परसों दिन में यूनिफॉर्म का ग्रहण आया और उससे पहले 5000 का पहले एनुअल ग्रहण आया कल में एक एमई स्कूल का हेडमास्टर बोला जो हम लोग को पूरा अकाउंट लेके जाने लगता बोला इसमें ऑडिट का टाइम में तो लेकर आया था ऑडिट का टाइम में आता है ऐसे भी आने लगता बोला कभी कभी ऐसे तो हम लोग भी चला जाते हैं हम लोग भी लेकर आते हैं वो लोग को ठीक करते हैं देखते हैं वेरीफाइड करते हैं ठीक है ठीक है हाँ ये तो जैसे पकड़ लो अगर आप लोग मीडिया लोग आप लोग ऐसे आया हो हम लोग का ऑफिस में आया अच्छा लगा आना है फिर भी आप दूसरा डिपार्टमेंट भी अभी ऐसे अप्रोच करके अगर काम करेगा ना श्योर डेवलप होगा लेकिन आज देखते हैं दिमागों में सब कुछ प्रॉब्लम है हाँ नहीं देखिए हम एक बात बोलता आज से 10 साल पहले
ड्यूरिंग 2005-6-7-8 आपको 2010 जितना भी कंस्ट्रक्शन कंपनी बोलिए बाहर का कंपनी रेलवे बोलिए जितना भी बाहर का ऑफिसर बोलिए अभी आप तो लोकल है हम लोग सब लोकल है इधर का जो मैं है जैसे पकड़ लो हम लोग ड्यूमरा में सलाह किया ड्यूमरा से जब हम लोग आएगा हफलोंग में उस ऑफिशियल वर्क्स लेकर आएगा तो हम लोग को बहुत आने में बहुत दिक्कत होता है हम लोग लंबी अगर घूर के आने पड़ते हैं ये रास्ता बिल्कुल मतलब एबंडन मतलब ये नहीं चलता है अभी हाँ ये रास्ता ठीक करने के लिए तो मैं तो सोच रहा ये रास्ता ठीक तो करना बहुत जरूरी है रास्ता का प्रॉब्लम लास्ट एक साल से हुआ है पहले से भी रास्ता खराब है लेकिन एक साल से ज्यादा हुआ बात हुई है हाँ पहले से भी इतना ठीक नहीं है फिर भी एक साल से तो रास्ता बहुत खराब हो गया हमने जो बोला है 6% का तकलीफ और आपको ए ऑफिस में कितना विजिट करता है स्टैंडर्ड में कितना टीचर्स है वो तो है स्कूल नहीं जरूरी होने से देखो बात ऐसे हाँ विजिट तो नो कर नहीं करता ये बने वो लोग भी आते हैं लेकिन हम लोग भी अगर जरूरी होने से हम लोग चला जाते जैसे पकड़ लो उस टाइम में ऑडिट हुआ हाँ ये जी गवर्नमेंट का ऑडिट हुआ उस टाइम में भी हम लोग जाके फील्ड में सब कुछ ये करके उसको मॉनिटरिंग करके ऑडिट भी करवाया आप बोलने मानता उन लोग का जो तकलीफ वहाँ से आने में आप लोग का जो तकलीफ बराबर उसमें हम लोग को प्रॉब्लम बोलने से प्रॉब्लम में आपको मिलेगा आपको नेट का इतना नेट का भी प्रॉब्लम है हाँ दूसरा पार्ट हो गया इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिफिकेशन करेंट का प्रॉब्लम है और दूसरा पार्ट हो गया हम लोग अगर उसमें बैठेगा तो हम लोग रेंट में बैठने पड़ेगा हाँ एक नंबर रेंट अपना घर उनसे दूसरा पार्ट है क्वार्टर उनसे दूसरा पार्ट है उसमें क्वार्टर भी नहीं है अगर रेंट में लेगा तो गवर्नमेंट से हाउस रेंट नहीं मिलता हाउस रेंट गवर्नमेंट से हाउस रेंट मिलता है लेकिन हम लोग को अभी हाउस रेंट एक नॉमिनल एक नॉमिनल मतलब हाउस रेंट दिया है उसमें से हम लोग मतलब आप सर्वशिक्षा के तरफ से मतलब आपको आपको तो आपको क्लास एट है क्लास एट तक तो सर्वशिक्षा के अंडर में है इसके बाद में आरएमएस के अंडर में तो आप लोग को फैसिलिटी क्या क्या है स्कूल एक तो हो गया मिड डे मील मिलता है सर्वशिक्षा सेकेंड क्या है यूनिफॉर्म तो अभी सर में दिया लॉसर में नहीं दिया था किताब खाता होता मिलता था एक्सरसाइज बुक मिलता एक्सरसाइज इस लोग तो हम लोग कभी कभी बता ऐसा देता है देता है देता है उसको बोलता है एवोल्यूशन 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 बुक देते हैं अभी आप लोगों को टी वी फ्री टेक्स्ट बुक बीएमस बीएमसी सब कौन है अभी गोपट से कब चार्ज लिया चार्ज कब लिया सर 2 महीने से हुआ टू मंथ्स इसका एक है इसका एक डाउडू सर डाउडू डाउडू का नो हम लोग का पहला ऐसा था हम लोग का स्टेट लेवल से भी हम लोग का ऑर्डर आया था लेकिन चीज़ तो हम लोग ऑनलाइन जो भी काम होता है ऑनलाइन से देने पड़ता है ऑनलाइन सिस्टम हाँ उसके लिए वही नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए हम लोग यही ऑफिस चलाने पड़ा हाँ हाँ ऑफिस शिफ्ट कर ली अच्छा वही बात है अच्छा वही नेटवर्क नहीं मिलता तो आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ हाँ जी हाँ जी है सब कुछ है ट्रेनिंग अभी तो अच्छा ट्रेनिंग भी वही चलता है हम लोग का ट्रेनिंग वगैरह अच्छा लेकिन चीज़ तो ऑनलाइन जो बेचना है वही वन नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए हम लोग भी हफलोंग में ऑफिस चला नहीं पा रहा अच्छा तो इसे आप लोगों अकाउंटेंट कितना आदमी है टोटल आपको लेके अकाउंटेंट मेरा जूनियर अकाउंटेंट तीन है हाँ फील्ड विजिट करता है हाँ फील्ड विजिट चलता है स्कूल लेकिन कंप्लेंट जो है फील्ड में नहीं जाता बोला लोग नहीं फील्ड विजिट होता है तो ऐसे मतलब आप लोगों माहौल बीएमसी ऑफिस टू आप लोगों से शिफ्ट करने के लिए हाँ कुछ हाई लेवल से कुछ नहीं बोला आप लोगों डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो आप लोग माहौल में शिफ्ट करो हम लोग देखा जो
डिमासा को पास टू ब्लॉक है एडुकेशन ब्लॉक, पास टू ब्लॉक भी हाफलोंग में चलता है। हाँ हाँ, तो इससे डेवलपमेंट कैसे होगा एडुकेशन का, जो गुणोत्सव जो हुआ बीच में? मेन प्रॉब्लम तो मैंने पहला बोला था वही था हम लोग, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ नेटवर्क ठीक है अभी तो सब जगह में, माहौर में बोलो जियो बहुत अच्छा चलता है, हम देखें 4G फास्ट चलता है अभी। और ऐसा ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए भी थोड़ा डिले हो जाएगा, वो ऐसे मतलब एक अगस्त बेचनी पर हाफलोंग में आने में हम लोग का डिले हो जाएगा, वही प्रॉब्लम तो है मेन तो। क्योंकि रेनी सीजन में हम लोग का रास्ता कभी बंद हो जाता है, ऑफिस जाके अटेंड करना दिकदार होगा, वहाँ जाके बारिश देगा रास्ता बंद हो जाएगा, तो फिर हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस कागज जो बेचना है वही डिले हो जाएगा स्टेट लेवल में, वही बात है। माहौर का टीचर लोगों ने इधर में आने में स्कूल जो बंद होता कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा लोगों का? ऐसे तो सिंगल स्कूल टीचर जो है ऐसे तो टीचर लोग का बहुत कमती आता है, ऐसा CRCC उन लोग का रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा क्लस्टर लेवल का जो काम करता है CRCC जो भी डाटा कलेक्शन को के उन लोग आके ई एम में जमा देता है। हाँ सिर्फ ऑडिट का समय में SMC जब ऑडिट होता है उन लोग को टीचर लोग को ये ऑडिटर लोग से बुला के उन लोग ऑडिट फेस करने पड़ता है। वही आपको गुड नेम क्या है? एल नामपुई। हाँ अब क्या है यहाँ का? सीनियर अकाउंटेंट जी। चेक वापस नहीं लिया? चेक कभी बाउंस हो जाता है? कभी बाउंस हो जाता है। अच्छा वही मतलब कितना है टू SMC एडवांस में उन लोग पैसा विदड्रॉ हो जाता है तो उन लोग का अकाउंट में चेक नहीं है, लेकिन चेक इशू किया ये सप्लायर का अगेंस्ट में, सप्लायर के नाम में, तो बैंक में जाके उन लोग का अकाउंट में पैसा अवेलेबल नहीं है, उसके लिए सप्लायर से हम लोग को फिर चेक टू वापस दे देता है। तो आप लोग क्या उधर से लेके? हाँ हाँ सप्लायर से हम लोग को ये में देता है, फिर SMC लोग CRCC का हाथ में चेक जितना है उन लोग का अपना नकला स्तर का वो दे के हम लोग का ये में जमा देता है, ये से फिर सप्लायर लोग को हम लोग दे देता है ऐसे। जिस जिसका अकाउंट में पैसा नहीं है वो बाउंस हो जाता है चेक में। भी ऑफिस है जो सामाना जो सपोज किताब बोलिए दूसरा दूसरा जो SSA जो सप्लाई आता सब उधर ही जमा होता, उधर से डिस्ट्रीब्यूट होता। तो यहाँ ऑफिस होने का कारण हो गया जो गंडगोल का टाइम में सभी सब ब्लॉक ऑफिस हाफलोंग में करा है, शिफ्ट हो गया। तो उसके बाद उधर अभी जाने का भी इतना ऑफिस भी ठीक नहीं हालत 2006 को बनाया वही बिल्डिंग टू BRC ईयर टू ऑफिस टू अभी रिपेयरिंग लगेगा, अच्छा पैसा लगेगा रिपेयरिंग करके, रिपेयरिंग करने से अच्छे से बिल्डिंग हो जाने से हम लोग शिव हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग को स्टाफ से कलेक्शन करके भाड़ा देने का हम लोग को भी इतना ये नहीं है। और ये तो कैसे करता भाड़ा कैसे? हाँ भाड़ा हम लोग को ऑफिस स्टाफ से कलेक्शन करता है ये हाफलोंग में, आप लोग जो गोर लिया था गोर भाड़ा भाड़ा देने पड़ता हम लोग को, अपना से देता ये रेंट नहीं मिलता, पहले में देता था ऐसे से 3000 करके, अभी वो भी नहीं है। तो हम लोग स्टाफ से कलेक्शन करके हम लोग भाड़ा तो ये कर देते हैं। मतलब आपको बात तो है अभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है? हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक हो जाए। हाँ तो ऐसे आप लोगों मतलब डिस्ट्रिक्ट का तरफ से शिफ्ट करने के लिए बोल रहा आप लोग? ऐसे तो हाँ हर साल हम लोग बजट में देते हैं, ऐसे रिपेयरिंग ऐसे वाल चाहिए हम लोग को हर साल में देते हैं हम लोग को बजट में, लेकिन बजट से तो कुछ कम नहीं होता, कुछ भी नहीं आता बिल्डिंग के, कुछ पैसा भी नहीं आता। शुरू से देखा अच्छा नहीं रहा, शुरू से तो अच्छा नहीं रहा, शुरू से हाँ शुरू से ही मतलब क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हाँ। तो इसके लिए जो ये ऑफिस में रिलेटेड जैसे टीचर लोग का तो प्रॉब्लम होता ना? हाँ श्योर हाँ प्रॉब्लम होता। अभी वापन जैसे LP स्कूल का अभी एक टीचर बाहती खाली क्लस्टर का CRCC को इधर आने लगता है, वापो डिजन में तो अभी टीचर नहीं, टीचर नहीं है अभी भी जितना तक मालूम है नहीं है। छः महीना गुणोत्सव भी करने नहीं सका, CM से बोल रहा था करेगा बोल के टीचर देगा। हाँ ऐसे तो सुना नहीं दिया बोल के अभी तक तो नहीं दिया, बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
वो पुलिस है हाय तो ऐसे करना तो स्कूल है कितना तो स्कूल है आप लोग का टोटल कितना स्कूल है कितना एमबी कितना एलपी कितना हाय और उसमें क्या क्या टीचर का कमी है आइडिया ऐसे माई बैंक ब्लॉक में इसे इंटीरियर विलेज में रिमोट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में सिंगल टीचर स्कूल है अच्छा। और कोई कोई स्कूल में अभी जीरो टीचर है मतलब टीचर लेस इसी के इधर मांझा वन एलपी स्कूल हमें खुद गया लास्ट ईयर में तो वहाँ उस टाइम जो टीचर था बाद में टीचर अभी टीचर नहीं है ऐसा स्कूल है मांझा वन हाँ कितना तो होगा एनलॉग उसके बाद इधर आपको सेम क्वार्टर में बहुत यह है टाइम में जो हम जो एक डाटा मिला ना माइवन ब्लॉक में पास टू स्कूल टीचर लेस अभी सेमकोर में इतना ओएसी है बहुत ओएसी है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अच्छा अच्छा आउट ऑफ हाँ हाँ अभी टीचर उधर गिरिजनापुर बोल के कोले में टीचर था उधर अभी टीचर नहीं बहुत साल से टीचर नहीं उसके बाद स्माइलिंग नगर बोल के उधर एक टीचर था टीचर अभी टीचर ट्रांसफर के आई गया उधर टीचर नहीं है यार ऐसे वापू दिशा हाँ उधर भी नहीं है इधर शिवदाई दिशा एल पी स्कूल आपको मालूम है होगा हाथी कले का जो हम भी गया था ओपनिंग का टाइम में तो उधर अभी टीचर नहीं है बात चलो ऐसे है अच्छा जगह है टीचर नहीं अच्छा हम कोई एरिया का नाम नहीं लेगा निमासो में दूसरा दूसरा अगर पार्ट हम लोग देखता है दूसरा ब्लॉक में जाता है तो जगह में एक्सेस टीचर है हमने कहा अभी हाफलोंग में कोई एक एल पी स्कूल है आज का दिन का बात होता है 28 टीचर्स और 12 स्टूडेंट ना हाय ऐसे हो रहा है तो वो प्रमोशन करने का रेशनलाइजेशन करने का बात जो रहा वो क्या हो रहा है रेशनलाइजेशन तो हम लोग को ब्लॉक तरफ से कुछ करने का यो नहीं रास्ते नहीं ये तो डिस्ट्रिक्ट का बात है डिस्ट्रिक्ट से जो करना है विलेक्ट से करता है ट्रांसफर बोलिए जो बोलिए ट्रांसफर भी हम एक टीचर का हम ट्रांसफर कर नहीं सकता सब डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर होता है हम लोग कल ही जस्ट ये हो गया हम लोग को सपोर्ट एकेडमिक सपोर्ट मॉनिटरिंग ये है कल ही सपोर्ट देना है लेकिन इतना बाद में भी तो हम देखा जो माइबन ब्लॉक में आपको लास्ट जो गुणोत्सव भर है ए प्लस बा ए मिलने वाला बहुत स्कूल है हाँ इसे तो है हाँ इसे इसे के मांडा दिशा में करना तो दिलीमपुर एल पी स्कूल मांडा दिशा वन एल पी स्कूल मांडा दिशा हाई स्कूल ए प्लस हो गया ए प्लस हो इधर आपको माइबन में माइबन कॉपरेटिव स्कूल वो भी ए प्लस हुआ लेकिन आप देखा जो अच्छा है लेकिन आपको सब जो मतलब लेकिन इंटीरियर में ज़्यादा से बी सी सी डी हो गई नहीं नहीं टीचर तो ऐसे तो दिया है कितना तो फिर रिटर्न आया लेकिन थोड़ा मतलब आप लोग को जो टेट टीचर अपॉइंटमेंट हो रहा है टेट मिला रहा है माइवन ब्लॉक में हाँ 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 लेकिन टेट टीचर का नाम से कंप्लेन है जो लोग क्लास नहीं करता बोला लोग कोई थर्ड पर्सन को 3000 मंथली दे के भी दे देता वो लोग ऐसे वाला हाई होगा जैसे कि पाइपक एरिया तरफ में उधर तो जाने का भी प्रॉब्लम है रास्ता का बेसी है तो उधर का हाई उधर में कितना तो टेट टीचर नहीं जाते लेकिन हमको कोवर मतलब इतना कंप्लेंट तो अभी तक कुछ ऐसे तो नहीं मतलब मिला हाँ हाँ सर सी आर सी सी तो अमुक का इधर से एस एस ए होता है ना नहीं नहीं ये डिस्ट्रिक्ट से होता है सी से होता है एंगेजमेंट लेकिन मॉनिटर आप तो उसमें से क्या सी आर सी सी क्या बिजनेस करने सकता ना क्या नहीं नहीं सी आर सी सी को कुछ बिजनेस का बात नहीं इसमें तो सपोज वही जो जो सप्लायर जो उन लोग से उस उन लोग को कुछ हेल्प मदद करने का कुछ बोला होगा जी ऐसे ऐसे से हम लोग को सप्लाई ये है सप्लाई का क्या बोलेगा उसको टेंडर ना वो ये हमें थोड़ा पहुँचे दीजिए ऐसे कुछ तो इसलिए ठीक है चेक तो उठाने पहले भरने सकता नहीं क्या विदाउट कंसर्न एसएमसी एक्चुअली ना ना ये तो ये पूरा एसएमसी का ये है यूनिफॉर्म तो एस एम सी का ही पूरा पूरी उन लोग से ही मतलब किसको देगा किसको नहीं देगा कैसे करेगा तो वो क्या टेंडर होना लगता नहीं हाँ हाँ वो तो कोटेशन गाइडेंस तो उसमें तो ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट चेक उठा के लेके आता है नहीं अभी तक तो कोटेशन अगर मांगेगा तो एडवर्टाइजमेंट देना लगता है हाँ कोई भी पेपर में एडवर्टाइज करने के भी तो कहाँ से कैसे फॉर्मेलिटी के लिए भी तो होने लगता है इससे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा शायद क्या पर्टिकुलर स्कूल करेगा हाँ पर्टिकुलर स्कूल करेगा एस एम सी करेगा
तो पेमेंट तो बाई चेक इसे है, कैश नहीं होगा, बाई चेक होगा, ये है। नहीं वो तो मालूम है, लेकिन चार सीट तो चेक तो उठाने नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये तो एसएमसी से देगा। एसएमसी से तो दिल ले, अगर एसएमसी से सीएससी से कोई इसे से ये कर दे होने से तो तो हमको नहीं, सर जी तो सफाई यार तो नहीं होने से। नहीं 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 नहीं, सीएससी से किसी होगा, सीएससी तो नहीं। इधर इधर मुझे इंटरफेयर कर रहा है ना, जिस तो ऑफिस का कोई या से कोई सप्लाई से कुछ बोर्डर कुछ मंगा होगा, ऐसे हो सकता है। तो ऑफिस का नहीं, ये तो ऑफिस का डिपार्टमेंट का आदमी भी कुछ इंटरफेयर कौन नहीं है, ये तो टोटली एसएमसी स्कूल मैनेजिंग कंपनी के अंदर में है। तो हाउ इस ऑफिस का बोलो, आप जो भी बोलो, इस पर आप बी एम सी हो गए, आप इसमें कुछ इंटरव्यू कुछ बोल नहीं सकते। नहीं सकते ऑफिशियली, नहीं सकते ऑफिशियली बोलने का नहीं सकता। अभी तक बहुत सारा गाइडलाइंस अभी तक स्कूल में यही नहीं, नहीं नहीं दे दिया नहीं, हमने गाइडलाइंस ना कुछ कुछ स्कूल विजिट भी किया था, तो उसमें एक भी गाइडलाइंस बोलने वाला चीज़ का नाम है ही नहीं। नहीं नहीं गाइडलाइंस तो रोज सीआर सी से हम लोग बेस्ट है। आपको मैडम बी एम सी जो है उसमें अकाउंटेंट कितना है? अकाउंटेंट चार अकाउंटेंट तो ड्यूटी तो फील्ड में जाना लगता है। हाँ लगता है, जाता नहीं क्या? नहीं जाता वो तो अकाउंटेंट को विजिट करना लगता होगा। हाँ ठीक ठीक, अकाउंटेंट जाके तो फील्ड विजिट करना लगता, तो फील्ड टाइप के अकाउंटेंट को विजिट करता है, ऐसे ही फील्ड आई जाता है। हाँ इतना कमती इतना तो नहीं जाता हम लोग, इसमें हम टीचर स्कूल में गए